भारत चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। कई दौर की बातचीत के बाद भी फिलहाल मामला सुलझने की कोई खबर अब तक नहीं आई है। हालांकि भारत सरकार ने दावा किया है कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर सुलह की कोशिशें जारी हैं। इस बीच चीन की विस्तारवादी नीतियों का जवाब देने के लिए उसके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार करने की आवाजें भी उठ रही हैं। अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी ऐसी ही मांग की गई है। सामना में लिखा गया है कि एक ओर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का ढोल पीटना और दूसरी तरफ चीन के लिए बाजार खोल देना, इससे चीन को आर्थिक बल मिलता है। संपादकीय में मांग की गई है कि चीनी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक जरूरी है और सरकार को इस पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। सौ फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।